गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेकेंड चैप्टर आवर ग्रेट हिमालय। ओके, लेट स्टार्ट। मैंने हिमालय के बारे में आपको कल बताई थी, आज हम पढ़ेंगे और उसके आगे हिमालय। आप देखिए हिमालय को, द हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल माउंटेन रेंज। हिमालय को जो है तीन पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए ये हम दिखा रहे हैं आपको हिमालय है, तो इसको जो है तीन पैरेलल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट जो रेंज है वो आता है हमारा हिमालय। ठीक है, ओके, तो आज हमको पढ़ना है हिमाद्री के बारे में, जानना है कि हिमाद्री क्या है। देखिए हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, इस कारण से इसे कहते हैं। हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। हिमाद्री जो हमारा है, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने फिगर बनाया है, तो यह जो है बता रहा है कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, यह जो है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमाद्री यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट आपका यह रेंज है। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट रेंज इन द हिमालय, और यही जो है हिमालय का सबसे हाईएस्ट रेंज होता है। ठीक है, कौन? हिमाद्री। याद रखिएगा, हिमालय का सबसे हाईएस्ट रेंज जो है हमारा हिमाद्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ एन एवरेज हाइट, कह रहा है कि विथ एन एवरेज हाइट, मतलब इसका जो हाइट है औसत ऑफ ओवर 6000 मीटर, यानी इसका जो हाइट है वह क्या है, 6000 मीटर। ठीक है, द माउंटेन्स हियर आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो, यहाँ का जो माउंटेन है वहाँ हमेशा जो है स्नो रहता है, स्नो से भरा रहता है। हिमाद्री जो है आपका, यहाँ पर हमेशा आप देखिएगा कि स्नो ही स्नो रहता है। ठीक है, इन सम प्लेसेस ह्यूज मासेज ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स आर फाउंड, कुछ जगहों पर बर्फ के विशाल ढेर पाए जाते हैं, उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। ओके, क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। अब आप जानेंगे कि यह जो ग्लेशियर है, यह पहाड़ से धीरे धीरे गर्म स्थानों तक आते हैं, और गर्म स्थानों पर आने के बाद क्या होता है कि वह पिघल जाते हैं और पानी का रूप धारण कर नदी में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द हिमाद्री रीजन रिसीव हेवी रेनफॉल, हिमाद्री जो आपके रेंज है, रीजन हिमाद्री का जो क्षेत्र होता है उसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बारिश होता है, हेवी रेनफॉल आपको होता है। ठीक है, सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, इसमें जो है बहुत ही ऊंचे ऊंचे हाईएस्ट पीक यानी शिखर है, माउंटेन का शिखर है, जैसे सच एज माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अन्नपूर्णा। इसी में आपका जैसे फिगर मैंने बताया, तो कंचनजंगा है और माउंट अन्नपूर्णा है, आर फाउंड हेयर, यहाँ पर जो है यह एवरेस्ट पाया जाता है। आप याद रखिएगा कि हिमाद्री रेंज में कंचनजंगा और अन्नपूर्णा जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस लाइक द जोजिला पास इन जम्मू एंड कश्मीर आर लोकेटेड इन दिस रेंज, कह रहा है सम इम्पोर्टेंट माउंटेन, कुछ महत्वपूर्ण पास, पास मैंने जैसे हुआ कि माउंटेन से निकलने वाला जो रास्ता होता है, तो कुछ महत्वपूर्ण पास जैसे जोजिला पास जो जम्मू एंड कश्मीर में है ना, तो वो जो है हिमाद्री में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। एज इट इज वेरी कोल्ड हेयर थ्रू आउट द ईयर, अब आप जानेंगे चूंकि हिमाद्री है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ जो है हमेशा सालों भर जो है ठंडी ही ठंडी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी आपका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण से जो है आपका यहाँ पर हमेशा सालों भर जो है ठंड होती है। ठीक है,
it is very difficult for people and animals to live in this region. इस क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं या जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए जो होता है यह बहुत ही कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है रहना, क्योंकि सालों भर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी पड़ती है, इसके कारण वहाँ के लोगों को थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कह रहा है कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस माउंटेन्स रीजन. ठीक है, तो कल्टीवेशन यानी इस क्षेत्र में जो है खेती नहीं की जा सकती है. जैसे मान लीजिए कि हम लोग खेती करते हैं जितना अच्छा से, वहाँ पर जो है आप चाहेंगे कि हम लोग के जैसा गेहूँ मक्का या धान उपजा लें तो ऐसा वहाँ नहीं हो सकता है, वहाँ कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी अलग होता है और बर्फ भी बर्फ रहता है, जिसके कारण हिमाद्री पर कोई भी खेती नहीं की जा सकती. आपने हिमाद्री के बारे में जाना, मेन इम्पॉर्टेंट कि हिमाद्री जो है आप जानेंगे सबसे ऊपर ग्रेटर इसको बताया गया है, इसमें बर्फ ही बर्फ रहता है. ठीक है, और इसमें आपको कंचनजंगा और माउंट अन्नपूर्णा जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसका हाइट लमसम 6000 मीटर है. ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और यही आपका हिमाद्री है. ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि हिमाद्री के बाद जो है कौन सा रेंज आता है, इसको मैं कल आपको बताऊंगी. ठीक है, ओके, चलिए.